हेलो एवरीवन। तो यहाँ हम देख रहे थे क्लास 8 की सेकंड चैप्टर द सुनामी के क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें हमने लगभग सभी क्वेश्चन देख लिए हैं। लास्ट 2 क्वेश्चन रहे हैं, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन देखेंगे इनमें से एक। गो थ्रो पार्ट 1 केयरफुली एंड मेक अ लिस्ट ऑफ एज मैनी वर्ड्स एज यू कैन फाइंड द इंडिकेट मूवमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड्स। आपको पार्ट 1 में जाना है और केयरफुली जो आपको कहा गया है वो करना है। पुट देम इनटू 3 कैटेगरीज, उनको 3 कैटेगरीज में रखना है। फास्ट मूवमेंट, स्लो मूवमेंट, नाइदर स्लो और फास्ट नॉर फास्ट, यानी फास्ट मूवमेंट, एक स्लो मूवमेंट और ना ही स्लो या ना ही ज़्यादा फास्ट, उन तीनों कैटेगरीज में आपको उन्हें परफॉर्म करना है, बांटना है। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई देयर आर मैनी वर्ड्स इन वन कॉलम एंड नॉट इन द अदर्स। आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या कि एक कॉलम में बहुत सारे वर्ड्स आए हैं और अदर्स में नहीं, ऐसा क्यों? तो चलिए आंसर देखते हैं। तो देखिए फास्ट मूवमेंट में आ गया, देखिए फॉल, रस्ट, स्वेप्ट अवे, फर्स्ट वॉश्ड अवे, ये सभी फास्ट मूवमेंट में है, फटाफट से होने वाले। देखिए स्लो में क्या है, राइजिंग, रिकेट, है ना। नाइदर स्लो नॉर फास्ट में है फ्लोटिंग, नहीं ज़्यादा तेज और ना ही ज़्यादा धीमे, है ना, तो यहाँ पर फ्लोटिंग आ जाएगा। तो देखिए फर्स्ट कॉलम में इतने सारे क्यों आए हैं वर्ड्स वो हमें बताना है। तो देर आर मोर वर्ड्स इन कॉलम ए, दीज आर रिलेटेड टू फास्ट मूवमेंट्स ऑफ एस्केप फ्रॉम द सुनामी। इट वॉज नेचुरल फॉर मैन एंड एनिमल्स टू मेक फास्ट मूवमेंट इन सच सिचुएशन। इस सिचुएशन में वो फास्ट मूवमेंट कर पाएंगे या कर रहे होंगे, जैसे गिरना है, रश्ड होना है, फिसल जाना है, वॉश्ड अवे यानी धुल जाना, उस लहर के साथ में बह जाना, तो ये सभी बहुत ही फास्ट हुए थे। द वेव्स ऑल्सो ओवरटूक सम पीपल वेरी फास्ट एंड वॉश देम अवे। बहुत ज़्यादा तेजी से जो वेव्स आई थी उन्होंने उसने सभी पीपल्स को बहुत ही ज़्यादा फास्ट और वॉश देम कर दिया था उन्हें, है ना। तो इस तरह से फर्स्ट मूवमेंट जो फास्ट मूवमेंट है उसमें इस तरह से वर्ड ज़्यादा आने हैं और सेकेंड में कम और लास्ट वन में तो बहुत ही कम आएंगे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, इसी तरह हमारा एक और क्वेश्चन रह गया इस चैप्टर का, तो वो भी देखेंगे। तो बने रहिएगा इसी तरह हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।